अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होपफुली ठीक ठाक होंगे आप लोग। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही मज़े की कढ़ी पकोड़े की रेसिपी है, और मेरे ख्याल से हर दूसरे बंदे को ना कढ़ी पकोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसके साथ हम कंप्लीमेंट कर सकते हैं राइस को भी और रोटी को भी, दोनों चीज़ों को। बहुत ही क्विक और आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसको मैंने बनाने के लिए ना लस्सी का इस्तेमाल किया है, और लस्सी में हमने बेसन को हसबे ज़रूरत जो है ना ऐड करके उसे मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि जो उसके लम्स है ना, वो सारी गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो बंद हो, ख़त्म हो जाएं। इसे विस्क से, आप हैंड विस्क से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके, तो इसकी सारी जो है ना सख्त वाले बेसन के दाने वो आप ख़त्म कर सकते हैं। प्याज मैंने लिया था आधा ऑयल में, उसे मैंने लाइट ब्राउन कर लिया, और उसमें थोड़ा सा मैंने गार्लिक ऐड कर दिया था, बहुत थोड़ा सा, लाइक जस्ट हाफ टी स्पून यू कैन से। तो इसको मैंने अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लिया था, और उसमें मैंने लस्सी जो है वो ऐड कर दी थी बेसन मिक्स करके। और साथ में आपने इसे पकाते हुए इसमें ना नमक मिर्च और हल्दी ऐड कर देना है। साबुत ज़ीरा अगर आपने ऐड करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अब हमें इसे पकाते रहना। अच्छा, इसका एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है, लाइक इसे तकरीबन आपको ना घंटे से 1.5 घंटा लग जाता है इसको पकाने में, क्योंकि बेसन का कच्चापन ख़त्म करना होता है और उसे अच्छी तरह से जो है ना पका हुआ फ्लेवर आए, कच्चा कच्चा नहीं आना चाहिए। तो फिर हमने इसे तकरीबन, मुझे इसे पकाते पकाते 2 घंटे का प्रोसीजर था, 2 घंटे लगे हैं, क्योंकि आपको पकोड़ों की भी तैयारी करनी होती है और कढ़ी का भी। ये जो बैटर है इसको बहुत अच्छी तरह से हमें पकाना होता है। तो जी, इसके साथ साथ अभी ये लाइट कलर है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पकता जाएगा ना तो ये कलर चेंज कर लेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अब यहाँ पे कंप्लीट होने की कंडीशन में आ चुका हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने जो है तड़का भी लगाना होता है, तो तड़के में मैं साबुत ज़ीरा, कढ़ी पत्ता, धनिया और मिर्चें लेती हूँ और इसका ही तड़का डालती हूँ, क्योंकि कढ़ी पत्ते के बगैर मुझे कढ़ी का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। ये वाला जो से इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने तड़के के लिए रखे हुए हैं और मैं उनमें डालूंगी। ठीक है, यहाँ पे अभी मेरा जो सा ये वाला मिक्सचर है वो तैयार हो रहा है कढ़ी के लिए, जो इसकी ग्रेवी है। और ये मेरी छोटी शाल पास खड़ी हुई थी, माशाल्लाह शुक्र है आज वो तंग नहीं कर रही थी मुझे। अच्छा, और जैसे ही ये बन रहे थे तो मैंने जी यहाँ पे जो है ना पकौड़ों की तैयारी शुरू कर दी थी, पकौड़े फ्राई कर रही थी, साथ साथ मेरा वो बैटर तैयार हो रहा था कढ़ी का, जो सी ग्रेवी है। और साथ में जो है बच्चे भी बस ट्यूशन से आने वाले थे, वो भी पकौड़े खाएंगे, और हमने पकोड़े भी इंजॉय किए, और साथ साथ कढ़ी पकोड़ा भी चल रहा है। ठीक है, वो भी बन रही है रेसिपी। पकोड़ों में आपने आलू प्याज, बेसिक इंग्रेडिएंट वही है, और बेसन और नमक मिर्च, साथ में आपने सूखा धनिया और अजवाइन ज़रूर डालिएगा। अजवाइन से ये होता है कि उसमें थोड़ा सा बादीपन ख़त्म हो जाता है और वो टेस्ट में भी अच्छी लगती है अजवाइन जो होती है। साथ साथ मैं ये बना रही थी, साथ साथ बाकी काम कर रही थी, और अब आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी तैयार हो गई थी, तो मैंने उसे ना शिफ्ट कर लिया था एक पॉट में। ठीक है, उसमें मैंने डालने के बाद यहाँ पे मैं जो पकोड़े हैं ना उन्हें सेट कर रही थी, उसके अंदर डालती जाऊँगी अपने कढ़ी वाले बैटर में, जो मैंने बाउल में प्रेजेंटेशन के लिए सर्व किया था डाला है उसके अंदर। और उसके साथ ही ना थोड़ी सी मैं बच्चों की जो हैं हमारे नेबर्स में टीचर हैं उनके घर भी भेज दूँगी, साथ साथ ही मैं उनके लिए भी एक प्लेट तैयार कर रही थी। अच्छा, रखते हुए मुझे कैमरे का नहीं है एंगल माइंड, मेरा कैमरा थोड़ा सा ना टेढ़ा हो गया हुआ है। और यहाँ पे जी बस ये ही प्रोसीजर हो रहा था। ओके, मुझे नहीं याद रहा मैंने सही तरह से कैमरा ही नहीं पकड़ा हुआ था। ओके, तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये, और इसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी इसे, और बहुत ही लजीज शानदार क्विक क्विक सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा, और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। और यहाँ पे अब आप देख लें कि मैंने जो तड़का है उसके लिए ऑयल गर्म किया, और उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के इस तरह से मैंने गरम गरम कढ़ी के ऊपर जो है ना यूँ तड़का डाल दिया। ठीक है, इससे काफ़ी अच्छा खुशबू और जो उनसे फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि कढ़ी और पकौड़ा अभी गर्म ही थे ना, तो वो उसमें बबल्स बनना शुरू हो गए थे। तो जी होपफुली मेरी रेसिपी मैंने आपके साथ अच्छी तरह से शेयर की है, आपको समझ आई होगी। अच्छा, इसके ऊपर आप गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हो, उससे थोड़ा सा ना अच्छा एक टेस्ट आ जाता है, जो हम रूटीन में खाने खाते हैं हम उसमें गर्म मसाला ज़रूर ऐड करते हैं।
तो ये मैंने एक प्लेट तैयार कर दी है कहीं पे भेजने के लिए भी। चले अब इतना भी अच्छा होता है कि हम अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा किसी के साथ भी शेयर कर लें, तो वो भी अल्लाह में उसका अजर देते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।